अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टीएम ऑटो से मोहम्मद ताहिर। आप ये देखें कि गाड़ी है 17.3 पे और ये हमने पूरा 1 लीटर करके पेट्रोल डाल के ये गाड़ी की आज ट्यूनिंग की है। तो भाई से पूछते हैं कि भाई की क्या एवरेज थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, भजन जब आप आए थे क्या एवरेज थी गाड़ी की? तकरीबन 9-10 11 इस तरह देनी, यानी कि बहुत हद मारो 11 की एवरेज थी। तो अब आपने लीटर अपने हाथ से पूरा किया है, तो कितनी चली है गाड़ी? 17.3। तो अब आपको क्या लगता है, हालांकि आपकी गाड़ी के टायर भी चौड़े डले हुए हैं और सिलेंसर भी आपने बड़ा सिलेंसर लगाया हुआ है अभी, तो उसके बावजूद गाड़ी ने माशाल्लाह बेहतरीन एवरेज दी है। तो हमने आपकी गाड़ी के, मेरा ख्याल है कि सिर्फ प्लग और एक एग्जॉस्ट सेंसर चेंज किया, इसके अलावा तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ आपकी गाड़ी का। तो अब आप क्या कहते हैं, टीएम ऑटोज पे आके आप मुतमिन हैं एवरेज से? बिल्कुल, क्योंकि ये डब्बा लगाने का मकसद ये है कि आपको पूरी तरह तसल्ली करवाई जाए। डब्बे में आपके सामने 1 लीटर पूरा हुआ है, बिल्कुल 1 लीटर। तो ये हमारे एहसन भाई के थ्रू आए थे जी। एहसन भाई अब बताएं सर। भाई जान, पहले तो हमने अपनी गाड़ी का करवाया था सिटी का, 2002 सिटी, उसकी हमारी निकली थी तकरीबन 18.5 की एवरेज। हमने भाई को बताया तो भाई यहाँ पे आए, इन्होंने भी अपनी एवरेज सेट करवाई है गाड़ी की, लेकिन अलहमदिल्ला 17.3 है। और जिस हिसाब से गाड़ी के टायर है, जिस हिसाब से स्पोर्ट्स सिलेंसर लगा हुआ इस गाड़ी को, उस हिसाब से बहुत अच्छी एवरेज दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुतमिन है एहसन भाई आप? मुतमिन है। दोस्तों, मैं हर भाई दोस्त को यही कहता हूँ कि ट्यूनिंग का एक अपना प्रोसीजर है, आप ट्यूनिंग कराएं। ट्यूनिंग में प्लग आप चेक करें, एग्जॉस्ट सेंसर चेक करें, एयर सेंसर चेक करें, एयर फिल्टर चेक करें, ये सारी चीज़ें चेक करने की होती हैं। तो आज भाई को मेरा ख्याल है कि ओरिजिनल प्लग का रिजल्ट पता चल गया। तो ओरिजिनल प्लग से गाड़ी में बड़ा फर्क है, बड़ा पिक भी मतलब बढ़िया। तो अब देखिए ना, प्लग भाई जब भी लगवाएं, देखिए पैसे गाड़ी वाले के लगने, हमारे नहीं लगने, लेकिन ये है कि गाड़ी वाले का काम अच्छा हो जाएगा। देखिए अब ये मुतमिन हुआ है, ठीक है, ये लाजमी बात है कि जब ये जाएगी गाड़ी, तो ये पहले एहसन भाई की गाड़ी के हमने किया था काम, उसके थ्रू ये भाई आए, इसी तरह ये जब इनको बताएंगे आगे वो भी हमारी तरफ आएंगे। तो भाई अपनी मजदूरी ने जो जायज़ बनती है, लेकिन जिस काम की मजदूरी ले रहे हैं वो काम करें। अब ये डब्बा लगा के चेक करने का मकसद ये है कि ये पूरी टैंकी जला के हमारे पास आते कहते एवरेज नहीं है, तो इस तरह हम भी मुतमिन हैं और ये भी मुतमिन हैं। तो दोस्तों, जब भी काम करें पूरी तसल्ली से करें। अगर कोई लोकल चीज़ कस्टमर डाल रहा है तो वो कस्टमर की मर्ज़ी, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमेशा गाड़ी वाले को बताएं कि अगर आप चाइना के प्लग डालेंगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो दोस्तों, ये भाई जान आप मुतमिन हैं? बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।